जीतते। जी जी जी, अमीज जो अपने जमाई साहब हैं, हमारे बहुत ही प्यारे जानने वाले हैं, प्यारे दोस्त हैं, वो 79 कह रहे हैं यूपी में और 26 में से 25 आ रही हैं हम लोगों की। उनको प्यारा तो प्यारा बोल रहे हो आप, उनको प्यार से टहला के चल दिए एनडीए के साथ चुनाव से हैं पहले, वो प्यारे हैं आपके, कमाल का प्यार है आपका। मुझे तो गोविंदा और कादर खान की फिल्म याद आ गई जिसमें बार बार जॉनी लीवर कहता है मैं आप ही के साथ हूँ, लेकिन वो साथ गोविंदा के था। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए व्यक्तिगत लेकिन ये बड़ा प्यार है आप लोगों का। अमित देवगन अब चुनावी लड़ाई झगड़ा तो सब समाप्त हो गया, तो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बात करते हैं। ऐसा लग रहा है मोदी इज गेटिंग हिज थर्ड टर्म, ऐसा एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। और देखिए नंबर इधर उधर हो सकते हैं, हो सकता है बीजेपी 300 पार ना आए, 290 आ जाए, 280 आ जाए, लेकिन मोदी इज गेटिंग हिज थर्ड टर्म। तो क्या आपको लगता है कि अगर तीसरी टर्म भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, ये बहुत बड़ा मैंडेट है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी सरकार को तीसरी बार लाने में कामयाब है तो ये बहुत बड़ी बात है, इतिहास है ये, अपने हिस्टोरिक मूवमेंट होगा ये कंट्री। मलुकनगर अमित जमाई से सवाल है, फैसला आज नहीं हुआ है, फैसला 4 तारीख को देश की जनता देगी। और आप जानते हैं हमारा अलायंस का या अखिलेश यादव जी का हम सबका साफ मानना है कि इंडिया अलायंस 295 प्लस इस देश में आने वाली है। और उत्तर प्रदेश में मलुक भाई तो उत्तर प्रदेश के जमीनी नेताओं में से हैं, उनसे पूछिए, उनका दिल भी गवाही देगा लेकिन बोलेंगे नहीं। 50+ इंडिया अलायंस की सीटें सिर्फ उत्तर प्रदेश से हैं और प्रधानमंत्री सबसे कमजोर स्थिति में है, गृह मंत्री सबसे कमजोर स्थिति में है। जनता ने उनको जवाब दिया ना तो ये साढ़े ना तो ये 300+ होने वाला है ना 400। 30 सीटें कम कर दी, अखिलेश जी ने 2 घंटे पहले 80 बोली, 80 में से 80 आपने 50, 30 सीटें कम कर दी। अखिलेश जी बोलेंगे, अमित जी अलग तो नहीं बोलेंगे, अमित जी आप बोलिए, अमित भाई 30 कम कर दिए। जो एग्जिट पोल का आंकड़ा है उसे भी कह सकता हूँ कि ये फोर्ज है, मैंने ये कहा कि 50+ इंडिया अलायंस 50+। जी जी जी, लेकिन देखिए बिल्कुल आपका अधिकार है, आप कुछ भी बोले आपका अधिकार है, आप ओपिनियन पोल को बोलते रहे, एग्जिट पोल को बोलते रहे, और मुझे पूरा भरोसा है कि जब जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन ईवीएम पे और इलेक्शन कमीशन पे भी होगा, लेकिन जो आंकड़ा आ रहा है वो सैक्रोसेंट है, वही हम प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन 4 जून को अगर आप जीतेंगे तो आपको बधाई देंगे, और अगर आप नहीं जीतेंगे तो आपको सांत्वना देंगे, और अगर वो जीतेंगे तो उनको बधाई देंगे, नहीं तो वो नहीं जीतेंगे तो उनको सांत्वना देंगे। लेकिन अमीश बात 80 में से 80 की है, वो अखिलेश यादव आप 80 में 80 पे अटक गए, आपको भी पता 80 नहीं आ रही है, तो अखिलेश जी बोल रहे हैं तो अखिलेश जी एज अ वे ऑफ सेइंग इट एंड ही हैज दैट नैक की जिसके अंदर वो एक हेडलाइन बना देते हैं, तो दैट इज हिज आइडिया। पिछली बार वाराणसी छोड़ी थी, इस बार वो भी ले गए। देखिए हम सब जानते हैं वाराणसी में क्या होगा, इसमें कोई किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, मोदी जीतेंगे नहीं जीतेंगे वाराणसी में हमें पता क्या होगा। कन्नौज में अखिलेश का बहुत बड़ा एज है, वो बहुत अच्छे मार्जिन से भी वो सीट जीत सकते हैं। इसमें कुछ सीटें जो सैक्रोसेंट है, जैसे रायबरेली के अंदर राहुल गांधी का एज है, अमेठी के अंदर स्मृति ईरानी का एज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमें बोलते हुए जी वायनाड में भी राहुल का एज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वी ऑल्सो नो कि कौन सी सीटें हैं, लास्ट टाइम अमेठी में डाउट था, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ वायनाड में आप एज कह रहे हैं, लेकिन आप अभी पूछिए आपके हमारे साथ विवेक भाई बैठे हुए वायनाड में, कौन जीत रहा है विवेक भाई? इंडिया अलायंस का नेता ही जीतेगा, इंडिया अलायंस का नेता ही जीतेगा, कांग्रेस जीते राहुल जीते या लेफ्ट जीते आएगा तो इंडिया को बता दीजिए। लेकिन अमित भाई सीरियस नो, राहुल गांधी के खिलाफ लेफ्ट ने उम्मीदवार उतारा है, जिनको नहीं पता उनको बता देते इंडिया अलायंस की ऐसी लड़ाई आपस में, वो तो पुरानी खबर है। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें कि जो पंजाब का आपने आंकड़ा दिखाया था, ये अगर आप पिछले आंकड़े भी देखें तो आम आदमी पार्टी के बजाय कांग्रेस को लोकसभा में हमेशा ज्यादा प्रिविलेज मिलता है। उत्तराखंड का आंकड़ा हम देख सकते हैं, उत्तराखंड के आंकड़े में पांच सीटों में से 5 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अनिल बलूनी की तस्वीरें हैं, मीडिया चीफ है भारतीय जनता पार्टी के, और ये अपना चुनाव जीत के आ रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ कुछ देर पहले थे, वो अपना चुनाव जीत के आ रहे हैं। और अनिल बलूनी राज्यसभा एमपी थे, उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता उनकी जब समाप्त हुई तो लोकसभा पार्टी ने उनको लड़वाने का फैसला किया, पौड़ी गढ़वाल से वो चुनाव लड़ रहे हैं, एक बड़ी सीट है और वो सीट जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी, और पांचों की पांचों उत्तराखंड के अंदर आ सकती है।
और अगर उत्तराखंड की पांचों की बातें आती हैं तो सहारनपुर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि सहारनपुर और हरिद्वार साथ साथ लगता है, तो ये सीट भी बहुत बहुत टाइट मानी जा रही थी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, वो सीट अब भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली सहारनपुर की जीत जाएगी। लेकिन और पंजाब में नुकसान है बीजेपी को, पंजाब में नुकसान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को, होता हुआ नजर आ रहा है। अभी हो सकता है आई थिंक दो से चार है बीजेपी की, लास्ट टाइम तीन थी, तो मुझे लगता है मोर और लेस वही नंबर रहेगा बीजेपी का। अब एक बार दानिश कुरैशी, दानिश भाई यही एग्जिट एग्जैक्ट कन्वर्ट होगा या आपको भी लग रहा है कि इंडी गठबंधन, वैसे तो आप ना इंडी में ना बीजेपी में, लेकिन इंडी गठबंधन को एज है या बीजेपी को एज है, क्योंकि आपका सबसे न्यूट्रल होगा ना, आप इधर है ना उधर है। दानिश भाई देखिए, जो परिस्थितियों का निर्माण है, अब तक के जो एग्जिट पोल नजर आ रहे हैं उसमें तो बिल्कुल साफ है कि एनडी गठबंधन तो मुझे नहीं लग रहा कि कहीं से कहीं तक दिखाई पड़ता हो। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि विपक्ष ने मेहनत और कोशिश तो की है, अब परिणाम तो आखिरी परिणाम तो आवाम जो तय करेगी वही आएगा। हम और आप तो एक बहस कर रहे हैं, लेकिन एक बात जानने वाली जरूर है कि इस बार पूरे प्रचार और प्रसार में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने आपकी स्क्रीन पे तेलंगाना का नंबर चल रहा है, आपकी स्क्रीन पे तेलंगाना का नंबर चल रहा है, कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने यह सरकार बनाई है और बीजेपी 7-10 में वहां पर अगर आ रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। बीजेपी की लास्ट टाइम 4 थी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आंध्रा के अंदर बीजेपी को बहुत बड़ा गेन है और अनएक्सपेक्टेड नहीं है। बीजेपी ने मेहनत करी, राइट अलायंस कराए और ओडिशा में भी इसी तरह के गेंस दिखाई दे रहे हैं। ओडिशा में विधानसभा चुनाव भी है तो इम्पोर्टेंट है। जहां तक हमने अभी बात करी पंजाब की, तो पंजाब में सेटबैक अगर एक पार्टी के लिए है तो दैट इज फॉर आम आदमी पार्टी। संजीव झा हमारे साथ शायद जुड़े हुए हैं। संजीव झा, अकाली दल को भी कोई सीट नहीं मिलती हुई दिख रही, आम आदमी पार्टी को 0 से 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। दिस इज वेरी वेरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। आम आदमी पार्टी, अगर आम आदमी पार्टी को दिल्ली में एक भी पंजाब में जाती, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी के बहुत बड़ा झटका है ये। फिर ये तो फिर अमीश, ये तो फिर शराब घोटाले पर रेफरेंडम माना जाएगा, ये तो फिर सिंपति का आ गई, या तो फिर घोटाले को सीरियसली लिया देश की जनता ने। स्वाति मालीवाल, आप सोचिए भ्रष्टाचार, बड़ा आंकड़ा आ रहा है उत्तर प्रदेश का, अमन उत्तर प्रदेश का आंकड़ा आ रहा है, बताइए हमारे व्यूअर्स को। बहुत बड़ी खबर है, 68 से 71 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती नजर आ रही है। 62 बीजेपी की थी, लेकिन 68 से 71 सीटें उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन, पूरा इंडी गठबंधन, समाजवादी पार्टी कांग्रेस सब मिला लीजिए, 9 से 12 सीटें, 68 से 71 सीटें, मतलब उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा। आप सोचिए ये जो आंकड़ा अभी 270 के आसपास पहुंचा था, 270 में अभी अगर 70 जुड़ेंगी तो ये तो पहुंच गया 340। जी जी जी, मैं फिर आप इसके अंदर पहला नंबर को 20 का नंबर करीब करीब पहले जुड़ चुका है, तो आई थिंक 42-8 के करीब करीब का ये आंकड़ा जुड़ेगा पूरे नंबर में, तो ये तो साढ़े पास 310 के 220 के आसपास। अच्छा, 20 सीटें पहले थी, हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ 50 सीटें 20 के आसपास पहुंच जाएगा। लेकिन अमन, आप 2014 रिपीट हो रहा है, 68 to 71 2014 रिपीट हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया अलायंस पूरा ये 9 से 12 सीटों पर आ रहा है, यानी लास्ट टाइम सपा बसपा 7 थी 15 आई थी, इस बार 9 से 12 सीट की आएंगी। और अगर बीजेपी 68 से 71 है तो बीजेपी 72 भी हो सकती है, बीजेपी 72 भी हो सकती है, क्लोज कंटेस्ट की सीटें जीत सकती है। और अगर बीजेपी 68 से नीचे जाती है, फिर कह रहा हूँ 68 से नीचे जाती है, तो सामने का आंकड़ा 15 भी हो सकता है, तो फिर सुल्तानपुर वगैरह में चुनाव फंस सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा राज्य जो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है वो है ओडिशा, और ओडिशा के अंदर भारतीय जनता पार्टी अब तक की सबसे प्रचंड जीत दौरा लहराएगी, 13 से 15 सीटें। बीजू जनता दल का सफाया हो रहा है 6 से 8 सीटों पर, ये लैंडस्लाइड है भारतीय जनता पार्टी की, और मुझे ऐसा लगता है, और मैं अपनी गर्दन इसमें लगाने को तैयार हूं कि बीजेपी का नंबर 15 से भी ऊपर जाएगा, क्योंकि ओडिशा में एक वेव है, एक अंडर करंट है मोदी नाम का, और अमित शाह की बेजोड़ रणनीति है जिसका फायदा देखने को मिल रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अलायंस को मना करा, बीजेपी चाहती थी अलायंस, लेकिन बीजेपी ने बोला अपने कार्यकर्ताओं के लिए हम ये अलायंस नहीं करेंगे, बीजेपी अलायंस करती तो बीजेपी को एक बिहार का आंकड़ा आ गया 40 सीटों का, 31 से 34 एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही है, बड़ी खबर बिहार। अभी एनडीए में नीतीश को कितनी है, बीजेपी को कितनी
या देखना बहुत और मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार को थोड़ा नुकसान अगर होगा भी लेकिन बीजेपी अपने 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 जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड था उसको बीजेपी बरकरार रख रही है। इंडिया अलायंस को ये फायदा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये फायदा है बिहार के अंदर। लास्ट टाइम उनको कुछ खास नंबर नहीं मिला था, इस बार मिल रहा है, लेकिन बीजेपी का नंबर सैक्रोसेंट रहेगा, एक दो सीटें इधर उधर होंगी, ज्यादा नहीं होगी। और हिस्सा इज अ बिग बिग सरप्राइज, 15 सीटें और ये 15 पे नहीं रुकेंगी, अगर 15 है तो 16 भी है, ये 16 भी ये यूपी में 70 ये अपने आप के अंदर अगर ये एग्जिट पोल के आंकड़े सही नंबर इस समय हम देख पा रहे हैं और जो नंबर निकल के आ रहे हैं और अक्रॉस एग्जिट पोल हम नहीं सिर्फ कर रहे हैं बाकी सबके भी एग्जिट पोल हुए हैं उनमें भी यही नंबर आ रहा है, ये लैंडस्लाइड है, ये लैंडस्लाइड है भारतीय जनता पार्टी के लिए और नवीन बाबू की सरकार खतरे में है क्योंकि वहां विधानसभा चुनाव है, वहां विधानसभा चुनाव भी है तो नवीन बाबू की हमारा मुख्यमंत्री शपथ लेगा। झारखंड का फाइनल नंबर अमन बताइए। झारखंड 14 में से 9 से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में नजर आ रही है, तो आप सोच लीजिए उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, ये सारे राज्यों में लैंडस्लाइड प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय। इन सारे मतलब हिंदी पट्टी ने तो एक तरीके से बांछे खोल दी भारतीय जनता पार्टी नहीं सिर्फ हिंदी पट्टी नहीं ओडिशा ईस्ट अभी बंगाल का नंबर आने दीजिए अमन बंगाल का नंबर आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत कुछ बदल जाएगा, बंगाल का नंबर आएगा बहुत कुछ बदल जाएगा, किसके खाते में जाएगा किसके खाते में नहीं जाएगा ये हम बताएंगे कुछ देर के अंदर। लेकिन सत्यप्रकाश मिश्रा मेरे साथ है, पीयूष गोयल हमारे साथ जुड़ने वाली है, निर्मला सीतारमण हमारे साथ जुड़ने वाली है, तो ये बड़ा बड़ा मैंडेट है क्या एक बार फिर नरेंद्र मोदी के लिए, पंडित नेहरू के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो तीसरी टर्म में वापस आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये आंकड़े सही होने जा रहे हैं तो दिस मैंडेट इज हिस्टोरिक फॉर भारतीय जनता पार्टी, फॉर इंडिया। आ गया बंगाल का, आ गया बंगाल का, आ गया 21 से 24, पिछली बार 18 थी, ध्यान रखिएगा, 24 सीटें बंगाल में, मतलब बंगाल को तो इंडी गठबंधन, इंडी अलायंस, ममता बनर्जी बाहरी है बीजेपी और कांग्रेस साफ। अधीर बाबू अपना चुनाव हार रहे हैं, इसका मतलब बहुत बड़ी खबर है, मुशीराबाद से अधीर बाबू अपना चुनाव हार रहे हैं। 24 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में निकाल लेती है तो 18 से 24 छह सीटों का फायदा होगा, उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड, ओडिशा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फाइनल टैली जब आएगी तो टीएमसी और बीजेपी की बिल्कुल बराबर सीट भी हो सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन फिर भी एग्जिट पोल का जो आंकड़ा है वो सैक्रोसेंट है, लेकिन बीजेपी अपने नंबर को बढ़ा रही है, वो बहुत तो यहाँ भी लगभग बराबर ही है, तो एक दो सीटों का फर्क है, यहाँ अगर ममता बनर्जी 18 से 21 सीटें लेती तो सीटों का फर्क है। लेकिन देखिए बीजेपी ने बहुत टाइट इलेक्शन लड़ा है और संदेश खली की जो दुखद घटना हुई उसने बीजेपी के कैंपेन को एक नए पायदान पर लाके खड़ा कर दिया। उसके बाद भ्रष्टाचार, उसके बाद मुझे लगता है कि जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स ममता जी की है वो ममता बनर्जी पर भारी पड़ी और हाईकोर्ट का ऑर्डर बीच चुनाव के अंदर आया, उसने सब कुछ मुझे लगता है कि ओपन एंड शट केस बना दिया। तो मुझे लगता है ये नंबर जब फाइनल निकल के आएंगे तो ये नंबर में एक बड़ा फर्क हमें इन आंकड़ों को अगर जोड़ा जाए बड़ा फर्क से, तो अगर 21 से 24 एक बड़ी खबर आ रही है न्यूज 18 के एग्जिट पोल में, बहुमत मिल गया है एनडीए को, एक बड़ा आंकड़ा बहुमत मिल गया है एनडीए के को और बहुत बड़ा बहुमत है, ये ऐसा छोटा मोटा बहुमत नहीं दिखाई दे रहा है, ये बड़ा बहुमत दिख रहा है और तीसरी बार मोदी सरकार दिखाई दे रही है और अच्छे से दिखाई दे रही है एग्जिट पोल में। तो फिर भी नतीजे तो फाइनल होते हैं, उनसे ऊपर तो कुछ नहीं होता, 4 जून का इंतजार आपको भी होगा, हमें भी है और न्यूज 18 पर आपको देखना भी है। लेकिन मेगा एग्जिट पोल और न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा फैल, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। अमन तीसरी बार मोदी सरकार, देखिए तीसरी बार मोदी सरकार कंफर्म, लगभग आप मानकर चलिए यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट में कन्वर्ट होते हैं जो कि हम मानकर चल रहे हैं हो रहे हैं। अब आप सोचिए पश्चिम बंगाल में अगर 24 सीटें, उत्तर प्रदेश में 70 सीटें, पिछली बार 62, मतलब अगर 70 सीटें एनडीए जीतता है उत्तर प्रदेश में, ओडिशा 15 सीटें ओडिशा और साथ ही बिहार, ये सारी सीटों का अगर जोड़ दिया जाए तो अब आप ये देख लीजिए किसका ग्राफ खटाखट ऊपर जा रहा है और अमीश किसका ग्राफ खटाखट नीचे जा रहा है जी, ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि खटाखट शब्द बहुत चर्चा में रहा इस पूरे चुनावों में। विवेक जी खटाखट, लेकिन दूसरी तरफ सफाचट चार तक वेट करते हैं,
नहीं है, अब एग्जिट पोल का इंतजार था, अब चार तक का इंतजार है, फिर ईवीएम का इंतजार होगा विवेक भाई। एक एग्जिट पोल खड़गे साहब ने भी दिया है 295 का, उसका भी एक्सप्लेनेशन। अच्छा आप ये दिल पे हाथ रख के बोलिए, आपको लगता है 295 किसी हिसाब से हो रहा है? सच बताइएगा। नहीं नहीं, अब देखिए जैसे पंजाब में आप, अरे विवेक जी को दिखाइए भाई, ऐसा थोड़ी है कि इंडिया गठबंधन का मामला खराब हो गया तो हम दिखाएंगे भी नहीं विवेक जी। ऐसा नहीं है, वैसे आपको शायद किसी ने बोला नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट आपके लिए, इसको कॉम्प्लीमेंट ले, जो आप यू रिजेंबल सो मच ऑफ सैम पित्रोदा। आपने जोड़ दिया इसको, इसको जो है आप कॉम्प्लीमेंट ले तो ये मैंने बोला कॉम्प्लीमेंट, ये इस चुनाव में तो कॉम्प्लीमेंट नहीं है ये कह रहा। लेकिन एनीथिंग विवेक जी, यू आर अ वेरी वेरी सीनियर लीडर, वी हैव सीन एग्जिट पोल्स, नॉर्मली ट्रेंड जो होता है वही दिखाता है, क्या ये एक मतलब ये एक बड़ा, मतलब एक बड़ा सेटबैक है, सब साथ भी मिले लेकिन मोदी हार नहीं पाए? ये इफ दिस इज कमिंग ट्रू ऑन 4th of June, डेफिनेटली इट इज अ सेटबैक। अब ये है कि मैं उसको क्वेश्चन करूं तो फिर वो एक अलग बात हो जाती है कि भाई क्या बेसिस था, क्या रिसर्च था, कितना सैंपल था, तो वो एक, एक उस डिबेट में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन कुछ एनालिसिस हैं, जैसे पंजाब का आपने आंकड़ा दिखाया था तो पंजाब में आम आदमी पार्टी को एक सीट दिखाई थी, तो एक्चुअली वो इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस को एक नेशनल पार्टी मानती है पंजाब की जनता। पिछली बार भी आम आदमी पार्टी को इतनी सीटें नहीं थी, इसीलिए इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी के बदले कांग्रेस बेटर। बंगाल में ममता जी एक शब्द यूज करती है, खेला। अरविंद जी के साथ आप लोगों ने खेला कर दिया, आपने दिल्ली में उनके साथ अलायंस करवाया, पंजाब में उनकी सरकार को जो कुछ कांग्रेस बोलती रही वो सबने सुना, मतलब वो क्या क्या बोलते रहे वो शब्द मैं बोल भी नहीं सकता जो कुछ शब्द बोलेगा। तो मतलब एक तो क्या आपको लगता है सत्य प्रकाश मिश्रा, ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं था अलायंस का, इंडिया अलायंस का? उनको भी पता था कि मोदी बहुत मजबूत है, एनडीए मजबूत है, लेकिन ये हुआ क्या है? देखिए आप इस बात को समझिए कि वो जो भी पार्टियां उनके घटक दल में आई, करीब करीब वो तमाम पार्टियां राहुल गांधी ने जो जो पॉपकॉर्न फेंके उसको कैच किया, संविधान फेंका कैच किया, आरक्षण कैच किया, नौकरी महंगाई बेरोजगारी कैच किया, लेकिन उसके साथ सब्सटैंटिव कोई डेटा नहीं था कि ऐसा मोदी सरकार ने किया है और ये खराब हुआ है। सब्सटैंटिव डेटा जो संकल्प पत्र से छन के आया कि लोगों को रोजगार मिला, महंगाई दर को काबू किया गया, महिलाओं को एक एक करोड़ लखपति दीदी बनाई गई, महंगाई बेरोजगारी सारे मुद्दे, नहीं नहीं ठीक है, एक मैं एक फैक्टर पे आ रहा हूं, मोदी की जो लीडरशिप थी, अगर ये चोपड़ा जी, अगर यही एग्जिट पोल सत्य भाई, अगर ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट में कन्वर्ट होता है तो फिर तो आप लोगों ने या तो गड़बड़ी किया है या ईवीएम में छेड़छाड़ किया या मैनिपुलेशन हुआ है। बिना गड़बड़ी के आप लोग जीत ही नहीं सकते हैं। अब ये इंडी गठबंधन यही यही कहा जाएगा, और ये कह दिया गया था कि अगर छेड़छाड़ नहीं होगी, ईवीएम से गड़बड़ी नहीं होगी तो फिर नहीं आ रहे मोदी जी दोबारा। नहीं सत्य प्रकाश जी, कर्ताओं को कुछ भी कहें लेकिन देश और जनता समझती है कि ईवीएम को के बदौलत कोई चुनाव हारता जीतता नहीं है। वायनाड में उनका ईवीएम बहुत ठीक हो जाता है और अमेठी में खराब हो जाता है, ऐसा है नहीं। और हिमाचल में जीतते, कर्नाटक में जीतते तो ईवीएम बहुत अच्छा रहता है, ऐसा ये एक हास्यास्पद कमेंट विपक्ष करेगा, हो सकता है करे। लेकिन लेकिन नरेंद्र मैं फिर आता हूं कि क्योंकि नंबर्स की बात है, नंबर्स सैक्रोसेंट होते हैं, नंबर्स के इर्द गिर्द ही चीजें हम दिखा सकते हैं और बता सकते हैं। मैं फिर कहता हूं ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जिट पोल है लेकिन बहुत सटीक एग्जिट पोल, इसमें हम ज्यादा लोगों तक हमने टच किया है, हमने बहुत बड़ा फीडबैक लिया है, उसके आधार पर हम ये एग्जिट पोल आपके समक्ष लेके आए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि इस समय जाननी बहुत पूर्ण है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का नंबर बढ़ कर रहा है। ओडिशा एक ऐसी स्टेट है जहां पर ये नंबर बढ़ के आ रहा है, तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां पर ये नंबर बढ़ के आ रहा है, बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां 5 सीटों का गेन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश में लास्ट टाइम 64 थी, इस बार 68-71 यानी 4 से 6 सीटों का वहां बढ़ोतरी आती हुई दिख रही है। क्यों बढ़ोतरी आती हुई दिख रही? साउथ में तमिलनाडु में थोड़ा गेन है हल्का सा, केरल में हल्का सा गेन है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ईस्ट में क्यों गेन है भारतीय जनता पार्टी, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए हिंदी पट्टी की पार्टी बीजेपी को अक्सर कहा जाता था, लेकिन आज बीजेपी नॉर्थ ईस्ट में है, बीजेपी महाराष्ट्र में है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में है यानी बंगाल में है, ओडिशा में अगर इस तरह का प्रदर्शन बीजेपी कर रही है तो बड़ी बात है, तेलंगाना में कर रही है, कर्नाटक में ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी सरकार बना चुकी है कई बार, लेकिन ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप फुल नेशनल वाइड पिक्चर देखेंगे तो एक नेशनल पार्टी है, मुझे लगता है कि इसमें अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, देयर इज ओनली वन नेशनल पार्टी इन द कंट्री एंड दैट इज भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इसमें यह भी कहा जाएगा अमीश की 77 दिनों में 117 शिकायतें चुनाव आयोग से की, मैं आगे की अब स्क्रिप्ट बता रहा हूं आपको, मेरी भी करी थी भाई। अच्छा 117, चलिए मैं 116 एक आपको माइनस कर देता हूं, ये जो है 77 दिनों में 117 शिकायतें चुनाव आयोग से की गई,
ये कहा गया कि ये चुनाव बिना गड़बड़ी के, बिना ईवीएम में छेड़छाड़ के मोदी जी जीत ही नहीं सकते हैं। और अगर ये प्रचंड बहुमत, मतलब सोचिए बंगाल में अगर 18 थी पिछली बार बंगाल में 24 सीटें, जो अमीश जिक्र कर रहे हैं ओडिशा, अगर ओडिशा में 15 सीटें तो ओडिशा में सरकार भी, फिर वहां पर विधानसभा चुनाव होंगे। अमित शाह ने बोल दिया वहां पर अगला मुख्यमंत्री जो है बीजेपी का होने जा रहा है। अब आप देखिए मध्य प्रदेश में 2629 भारतीय जनता पार्टी को दी जा रही है, 29 सीट कौन सी है? तो कमलनाथ की फैमिली सीट है, पारिवारिक सीट है, कमलनाथ यानी छिंदवाड़ा की सीट है। अब छिंदवाड़ा की सीट पे अगर कमलनाथ अपना चुनाव, नकुलनाथ अपना चुनाव हार रहे हैं तो बड़ी बात है। ये ऊपर का आंकड़ा एक बार देखिए, ये तो बहुत बढ़ गया भाई साहब, ऊपर आंकड़ा देखिए। अब आप ये 350 के पार जाता है जो है वो अभी के हिसाब से नजर आ रहा है, जाता है या नहीं जाता देख लेते हैं। उसके क्लोज जा रहा है, पोल के बहुत पास पहुंच चुका है, बहुत पास पहुंच चुका है एग्जिट पोल के। लेकिन उत्तर प्रदेश में 70 के करीब 70 सीटें, और साथ ही बंगाल में 24 के करीब, और ओडिशा सबसे बड़ी न्यूज आज की, जो 15 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी निकाल लेती है। आई थिंक द बिग नंबर्स आर हियर एंड द बिग नंबर्स सेज, जो बड़े नंबर कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा, बहुत बड़ा गेन मिल रहा है, मैसिव गेन मिल रहा है। तेलंगाना में बीजेपी को बड़ा गेन मिल रहा है, बंगाल में गेन मिल रहा है, इवन यूपी में गेन मिल रहा है, एक सीट का पंजाब में भी अगर गेन मिल रहा है तो हो सकता है मिले। जो 2-4 का आंकड़ा बताया जा रहा है वो बड़ा है अपने आप के अंदर। लेकिन मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन ब्रेक के तुरंत बाद हम हाजिर हो रहे हैं एक बड़ा नंबर लेके, फुल फ्लैश नंबर लेके, न्यूज 18 मेगा 1।